हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर कर रहे हैं एक्सेल के पूरी सीरीज को, जिसमें मैंने पहले इससे पहले मैंने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये मैंने क्लियर कर दिया है। और आज हम देखेंगे डेटा मेनू के कुछ टॉपिक्स, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जैसे एग्जिस्टिंग कनेक्शन क्या होता है, इसका मैंने अलग से सेशन बना के डिस्कस किया है। और शॉर्टिंग फिल्टरिंग का सेशन मैंने अलग से बना के फिल्टर किया है। डेटा वैलिडेशन को मैंने पूरा अच्छे से बताया है, और इसमें से मैंने सब टॉपिक क्लियर कर दिया है, और जो टॉपिक छूट गए हैं उनको मैं कवर करूंगा आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा गेट एक्सटर्नल डेटा। मतलब क्या होता है कि आप बाहर से भी डेटा ले सकते हैं, मतलब जैसे एक्सेस कोई डेटा बेस वगैरह हो तो आप मंगा लो। जैसे क्लिक किया आपने, अगर डेटा बेस होगा, देखते हैं डेटा बेस है, जैसे ये रिकॉर्ड को ये ओपन करो, ये एक्सेस में होगा, ओके करो, देखो यहाँ पे कोई डेटा वगैरह था वो मिल गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद क्या करना है, इसमें इसमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें, वो मैं दिखाता हूँ क्या करना है। और यहाँ पे दिख रहा है रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह। अब इसमें क्या करो, डेटा तो आ गया यहाँ पर, ये सब लगा हुआ डेटा फिल्टरिंग, इसको हटा भी सकते हो, सॉरी यहाँ क्लिक किया, अब इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, बाहर क्लिक कर नहीं, ये इसको सॉर्टिंग फिल्टरिंग करते हैं वगैरह, मैंने बताया था इसका अलग सेशन है, आप उस सेशन को ज़रूर देखना सॉर्टिंग फिल्टरिंग वाला, जिसमें मैंने SPSS रिपोर्ट बताया है। और SPSS रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे तो उसमें क्या होता है कि कोई क्वेश्चन वगैरह मिल जाते हैं बहुत सारे, कि कस्टमर के रिव्यू, रेटिंग, रेटिंग पॉइंट और क्वालिटी किस बेस पे कस्टमर लोग प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे सब क्वेश्चन जब मिलते हैं ना तो उनको सेट करना पड़ता है। MBA वगैरह में अगर आप MBA कर रहे हो, तो MBA करने के बाद जो जो सेकेंड जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में ये पीरियड सिखाया जाता है कि कैसे SPSS रिपोर्ट बनाते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बताया बाकायदा, और चार्ट का यूज़ करके मैंने बताया कि कैसे रिपोर्ट को बना के सबमिट करते हैं। ठीक है, तो उसको उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, SPSS के नाम से होगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा एक्सेल के, वहाँ मिलेगा। अब देखो यहाँ से ये डेटा मंगा लिया, इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ होगा इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट हो वेब पेज से आप मंगा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, जैसे वेबसाइट वगैरह होता है ना, कस्टमर लोग डेटा फीड कर दिए, आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह भर दिया किसी ने, कस्टमर लोग ने या स्टूडेंट वगैरह ने, यहाँ पे कई तरीके से यूज़ कर सकते हो डेटा। आप इंटरनेट यानी आपके पास वेब पेज होगा, क्लिक करोगे, इंटरनेट से जुड़े रहोगे, वहाँ से वेब पेज मंगा करके इम्पोर्ट कर दोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होता है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट मतलब अगर आप चाहो तो वर्ड नोट पैड पर भी आप डेटा बना सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आप प्रेस करो नोट पैड। देखो यहाँ पे हमारे पास नोट पैड है, हम नोट पैड पर कुछ बनाएंगे, पहले बनाते हैं क्या सीरियल नंबर। इसके बाद हमने टाइप का इस्तेमाल किया, लिख देते हैं हम यहाँ पे नेम, और हमने इसमें लिख दिया, एक टाइप किया, लगा दिया मोबाइल नंबर, और एक बनाते हैं यहाँ पर टाइप किया ईमेल। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे लिख देते हैं हम टेबल वगैरह, और डी में जाओ या एक लोकेशन लेकर के इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद अब क्या करो, अब हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात है, या आप सीट टू ले लो और यहाँ पे क्लिक करो, हमारे पास जो डेटा होगा टेबल वाला क्लिक करो, इम्पोर्ट करो। इम्पोर्ट करने के बाद जो ये दिख रहा है आपको टेक्स्ट डेलिमीटर, टेक्स्ट टू कॉलम वाला यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो डेलिमीटर नेक्स्ट करो, या कॉलम चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे कॉमा वगैरह चाहिए, या आप इसमें से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये दिख रहा है एक्स्ट्रा वगैरह, तो उसको हटा भी सकते हो, ठीक है, सेट भी कर सकते हो, और नेक्स्ट करो। और यहाँ पे क्या करना, डेट वगैरह सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह सेट करना चाहते हो कि इसमें टेक्स्ट रहे तो टेक्स्ट आएगा, डेट वगैरह तो डेट रहेगा, नम जनरल फॉर्मेट रहना चाहते हो, यानी जो इसको बोलते हैं यूनिक की, ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। अगर डेट रखना चाहते हो डेट रखो, फिनिश कर दो, ओके करो। अब देखो यहाँ पर डेटा सब आगे डेटा, इसको सेट करो, होम पे जाकर के फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ मिलेगा कॉलम वीट, इसका जो कॉलम वीट है वो बढ़ा दो, ठीक है, कितना बढ़ा दिया 12 कर दो, ओके करो, देखो सेट बढ़ गया। अब यहाँ पे मान लो कुछ आप लिखते हो 1, 2, 3, ठीक है, लिख दिया, और नाम लिख दिया वगैरह, इस तरीके से मंगा सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम चाहे तो एक्सटर्नल डेटा से भी बना सकते हैं टेबल। ठीक है, इसके बाद ये बात करें हम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्लिक करो, SQL सर्वर यानी डेटाबेस पे अगर आपने बनाया है, ठीक है, एक्सटर्नल, तो वहाँ से भी मंगा सकते हो। XML बनाया है तो XML से भी रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब हाई लेवल, ये सब जो आता है, जो टोटल वर्ड है, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं ये वाले, ये सब एडवांस वर्ब में आते हैं। ठीक है, एडवांस का भी मैंने
अलग से वीडियो बनाना है, ठीक है, तो मैं बनाऊंगा, कुछ टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। और अब देखते हैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मैंने अलग से सेशन बनाया है, आप उस कनेक्शन को जरूर देखिएगा। इसमें क्या होता है कि हम दो एक्सेल फाइल को आपस में जोड़ देते हैं, और यहाँ पर रेफरेंस ऑल का मैंने बताया है। रेफरेंस ऑल को जानना है तो आप पाइवट टेबल देख का सेशन देख लीजिएगा, एक्सेल सेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया दिया है कि कैसे हम रेफरेंस ऑल का इस्तेमाल करते हैं। और सॉर्टिंग फिल्टरिंग का अलग सेशन है, देखो कुछ जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, टॉपिक वाइज समझो तो बेटर होता है, ठीक है, कंप्लीट सीखोगे तो हो सकता है थोड़ा समझ जाए ना समझ जाए, ओके। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ हो गया डेटा वैलिडेशन बता दिया, अब देखो कंसोलिडेट भी मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लो क्या क्या होता है। डेटा मान लो यहाँ पर मैंने दिया शॉप वगैरह, ठीक है, शॉप वन, शॉप टू, इसको मैंने बता दिया अच्छे से, एक बार फिर से देखो, लेकिन हमने रख दिया डेट। आप चाहते हो कि यहाँ पर डेट नहीं डेज हो, साइड कर दो, ये लिखो डेज, और यहाँ से मैंने डेट पका दिया। आज का डेट क्या है, आज का डेट है 29/12। देखो अब क्या करेंगे, टेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट लगाया और क्लिक किया, कॉमा लगाया, डबल कोटेड, ठीक है, डबल कोटेड ट्रिपल डी, और कोटेड क्लोज, इंटर, ये आज सैटरडे है, ठीक है ना, इस तरीके मालूम चल गया। मान लो यहाँ पे शॉप है आपके पास बहुत सारे, ठीक है, कोई ज्वेलरी शॉप है, किराना वगैरह सब, मेडिकल वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट वगैरह लिख दिया आपने, और ये सब आप सेट कर लो, जैसे मान लो यहाँ पे 12,000 वगैरह आया, या 12 लाख है, या जो भी लिखना है लिख दो, ठीक है। इसको जोड़ने का तरीका होता है ना, शॉप नंबर 3, ठीक है, आपके सब शॉप के नाम लिख दोगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब क्या होता है, आप समझो ध्यान से, अब मान लो कंसोलिडेट के पास बहुत सारे शॉप थे, बहुत सारे एरिया से आपको पहले कलेक्शन लेना था, या एक और तरीका होता है कि सेल में से कितना आया, वो जैसे अलग अलग शॉपिंग मॉल होता है, शॉपिंग मॉल में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप जानना चाहते हो कि किस किस एरिया से कितना कितना माल कलेक्शन हुआ, तो आप कंसोलिडेट पर क्लिक करो, यहाँ पर ऑप्शन होता है ब्राउज, क्लिक करो, आपने ले लिया, इसका कलेक्शन चाहिए शॉप नंबर 1 का और शॉप नंबर 3 का देखना है। यहाँ देखो सम भी ऑप्शन होता है, काउंट भी होता है, और इसका मैंने सब फार्मूला बता दिया है, मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम सब मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, ऐड किया, एक ऐड हो गया, आप चाहते हो कि इसका और इसका देखना अमाउंट कितना है, ठीक है, तो ऐड करो, आप चाहे जितना सेलेक्ट कर लो, ओके करो, आपको यह मिल जाएगा, सॉरी एक बार फिर से देखते हैं, क्लिक किया, आपको ये आपके पास जो डेटा था ना, आपको यहाँ पर ऐड करना था, कैन नॉट डुप्लीकेट सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं रिमूव करना होगा, रिमूव किया, अब देखो ध्यान से, इस पर क्लिक किया पहला, ऐड किया, इस पर क्लिक किया, ऐड किया, अब ओके करो, समझ में आया, ये टू दोनों को कैलकुलेट कर देगा, ओके। इसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट टॉपिक देखो ध्यान से, कैसे हम यूज़ करते हैं ग्रुप और अनग्रुप और सब टोटल का। जैसे मान लो एम्प्लॉय के नाम लिख रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉय के नेम है, या स्टूडेंट वगैरह के नाम है, तो उनमें होता है ना कि अल्फ़ाबेट वगैरह होता है, ए से नाम है कुछ लोग के, बी से नाम है, सी से नाम से, पूरा अल्फ़ाबेट वगैरह होता है। देखो किसी का ए से नाम था, किसी का बी से नाम था, वो मैं दिखाता हूँ कैसे सॉर्ट करना है, ठीक है। कोई फॉर्म में भरते हैं लोग ना, तो कभी ए वाला भी आएगा, कभी बी वाला भी आएगा, ठीक है, तो मैं फिलहाल देख रहा हूँ बस लिख करके ना, कोई सी वाला भी है, कोई बी वाला है, फिर ए वाला, ठीक है। देखो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, यानी बी से नाम किसी का हो सकता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो सकता है, ठीक है ना, सी से किसी का नाम हो सकता है, चरण नाम हो सकता है, ठीक है, ये सब नाम है। अब ध्यान दो, यहाँ ए से नाम से बहुत से लोग थे, मान लो ए नाम से, अब देखो क्या करना है, सीधा सा इसको पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, शॉर्ट कर लो सीधा सा, जो छोटी संख्या होगी वो ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएंगी। अब देखो ध्यान से, ए वाला ऊपर हो गया, बाकी बी वाला सी वाला सब नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे फॉर्म स्टूडेंट लोग फॉर्म भर देते हैं तो अनमैनेज होता है, तो उसको मैनेज करना होता है, तो शॉर्ट करते हैं सेलेक्ट करके। अब देखो इसको सेलेक्ट करो एरिया को, आप चाहते हो कि इसको एक ही पेज पे लिखा जाए, पहला वाला छोड़ दो बाकी सेलेक्ट करो, यहाँ ग्रुप लिखा है ग्रुप पे क्लिक करो और ओके करो। अब ध्यान देना, यहाँ पे माइनस में क्लिक कर दोगे तो अब क्या होगा, ये डेटा यहाँ दिख जाएगा। अब चाहते हो कि बी वाला दिखना चाहिए तो बी वाले भी सेलेक्ट करो, बी वाले भी बहुत सारे हो सकते हैं, जब ग्रुप किया क्लिक किया ओके करो और इसको भी रिमूव कर दे दो, ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्या हुआ, अब ये आपके पास सामने ग्रुपिंग है ना, जब आपको डेटा देखना हो तो आप उस पर क्लिक करो और डेटा ओपन हो जाएगा, समझ में आया। इस तरह से डेटा को ओपन कर सकते हैं ना बहुत ही शॉर्ट एरिया में, क्योंकि जब डेटा बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट A to Z लगा के रख सकते हो,
यानी जेड तक नाम हो सकते हैं तो उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, अब ग्रुप कर लिया तो अनग्रुप भी करना चाहो तो अनग्रुप कर लेना। अब बात करते हैं सब टोटल। सब टोटल मैंने बता दिया है वो इस टॉपिक के अंतर्गत पावर टेबल। पावर टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये टॉपिक देखना चाहिए हर हाल में, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा रिव्यू को कैसे यूज़ करते हैं। ओके ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है।